बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, ये लास्ट लेक्चर में हमने लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट्स को कंसिडर किया था एम्पलीफायर्स में। आज के लेक्चर में हम हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल ऑफ मॉस्फेट एंड बीजेटी को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले मॉस्फेट्स एंड बीजेटीज दोनों के हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल्स को स्टडी करेंगे और फिर सब्सिक्वेंट लेक्चर में हम इन हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल्स एंड लो फ्रीक्वेंसी मॉडल्स को इनकॉर्पोरेट करके एक फाइनल एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशन को हम स्टडी करेंगे, देखेंगे। ओके जी, इंटरनल कैपेसिटिव इफेक्ट्स एंड द हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल ऑफ द मॉस्फेट एंड द बीजेटी। अगर मॉस्फेट की बात कर लें, टू विजुलाइज द फिजिकल ओरिजिन ऑफ द वेरियस इंटरनल कैपेसिटेंसेस, मॉस्फेट का जो हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो उसके अपने फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से होता है, इम्प्लाइंग कि उसके जो इंटरनल कैपेसिटेंसेज होती हैं उसकी वजह से उसका एक हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है। जो लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हमने पढ़ा था, अगर आप रिकॉल करें लास्ट लेक्चर्स को, तो जो कपलिंग कैपेसिटर्स और बाईपास कैपेसिटर्स थे उसकी वजह से हमारे पास एक एसटीसी सिंगल टाइम कांस्टेंट नेटवर्क्स रियलाइज हुए थे, बने थे तीन, एक इनपुट साइड पे, आउटपुट साइड पे और एक सोर्स एंड पे, जो एक हाई फ्रीक्वेंसी इफेक्ट यानी कि लो फ्रीक्वेंसीज को वो पास नहीं करते थे और हाई फ्रीक्वेंसीज को वो पास करते थे। जो हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है यानी कि हायर फ्रीक्वेंसीज पे, जब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे आप एम्पलीफायर को ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये हाई फ्रीक्वेंसीज एम्पलीफायर से पास नहीं हो सकेंगी। क्यों नहीं हो सकेंगी? दैट इज द एम्पलीफायर विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड सफिशिएंट गेन एट हायर फ्रीक्वेंसीज। और वो क्यों नहीं होगा? ड्यू टू द इंटरनल कैपेसिटिव इफेक्ट्स ऑफ मॉस्फेट्स एंड बीजेटीज। ठीक है, और ये जो इंटरनल कैपेसिटिव इफेक्ट्स हैं, ये उसका फिजिकल स्ट्रक्चर ट्रांजिस्टर्स का इस तरह से है कि वो डिजाइन ही फैब्रिकेट इस तरह से होते हैं कि दीज आर अनअवॉइडेबल, दे आर देयर, दीज इफेक्ट्स आर देयर मैनिफेस्टेड एट हाई फ्रीक्वेंसीज। अच्छा जी, ओके, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इंटरनल कैपेसिटेंस इन द मॉस्फेट। द गेट कैपेसिटिव इफेक्ट, द गेट इलेक्ट्रोड पॉलीसिलिकॉन फॉर्म्स अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द चैनल with the oxide layer serving as a capacitor dielectric। ठीक है, recall करें again, जब हमने semester के start में बात की थी MOSFETs को, मैंने पढ़ाना शुरू किया था, और पिछले semester में भी जब हमने transistors को, BJT MOSFETs को पढ़ा था, तो MOSFET की जो structure था वो कुछ इस तरह से था कि it has a it is metal oxide semiconductor। मैं आपको उसका diagram दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, ये MOSFET का 3-dimensional view है और ये 2-dimensional view है, फिगर बी। यहां पे आप देखें, ये जो मेटल है, ये जो गेट मटेरियल है, ये पॉलीसिलिकॉन का होता है। ठीक है, देन वी हैव दिस, मेरे माउस को अगर आप फॉलो करें, सो दिस इज अ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंसुलेटिंग लेयर, और फिर यहां पे एक चैनल एस्टैब्लिश होता है, दिस इज द चैनल रीजन। जब आप एप्रोप्रिएट रिक्वायर्ड वोल्टेजेस ड्रेन और सोर्स पे और गेट और सोर्स के बीच में अप्लाई करते हैं, तो एक चैनल यहां पे एस्टैब्लिश हो जाता है, एंड द ट्रांजिस्टर मॉस्फेट टर्न्स ऑन, and then it may turn on in saturation or triode, but it turns on when the gate to source voltage is greater than the threshold voltage of this transistor, of this MOSFET, and drain to source voltage, appropriate drain to source voltage is applied, some positive voltage for the case of NMOS transistor। तो यहाँ पे आपके पास एक channel बनता है, यानी कि ये source और drain regions, दोनों N+ regions आपस में connect हो जाते हैं। अब जो gate का voltage, gate पे positive charge है, VGS के case में gate is higher at a higher potential than the source, तो गेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज सोर्स और ड्रेन रीजन से आना चाहिए इन द चैनल रीजन। तो गेट और चैनल के बीच में एक कैपेसिटिव इफेक्ट है, गेट पे पॉजिटिव चार्ज है और चैनल पे नेगेटिव चार्ज है, और बीच में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है, सो दिस इज गेट कैपेसिटेंस। ठीक है, फिर आप यहां पर देख सकते हैं, अगर मैं जूम इन करूं यहां पर, देखें ये जो N+ रीजन है सोर्स का, गेट यहां पे आके इस सोर्स एंड पे आके खत्म नहीं हो जाता, बल्कि गेट एक्सीड करता है, एक्सटेंड करता है इनटू द सोर्स रीजन। तो इतना जो हिस्सा है, ये जो पोर्शन है, ये भी कैपेसिटेंस का रोल प्ले करता है, एंड ऑल्सो टर्म्ड एज गेट कैपेसिटेंस, एक्चुअली इट्स एन ओवरलैपिंग कैपेसिटेंस। ये जो ओवरलैपिंग एरिया है गेट का सोर्स जंक्शन के ऊपर, सोर्स रीजन के ऊपर, this creates overlapping capacitance which is part of the gate capacitance। similarly yahan pe aapke paas positive charge hai, yahan pe negative charge hai, beech mein silicon dioxide layer maujood hai, itne overlapping region mein
this again manifests itself, this area, as an overlapping capacitance contributing to gate capacitance. ठीक है, ओके. तो अब आपको ये बात समझने में आसानी होगी कि गेट कैपेसिटिव इफेक्ट्स क्या है. द गेट इलेक्ट्रोड पॉलीसिलिकन फॉर्म्स अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द चैनल विद द ऑक्साइड लेयर. जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है, इट सर्व्स एज द कैपेसिटर डाइइलेक्ट्रिक. ठीक है, और वी डिस्कस द गेट और ऑक्साइड कैपेसिटेंस. और ये जो कैपेसिटेंस है, इसको सी ऑक्स ऑक्साइड कैपेसिटेंस का नाम दिया जाता है, ड्यू टू द ऑक्साइड मटीरियल विच इज एक्टिंग एज अ डाइइलेक्ट्रिक मटीरियल बिटवीन द गेट एंड द चैनल रीजन्स. फिर हमारे पास दूसरी तरह की कैपेसिटेंस, एक और टाइप की कैपेसिटेंस होती है, जिसको सोर्स बॉडी एंड ड्रेन बॉडी डिप्लेशन लेयर कैपेसिटेंसेस कहते हैं. रिमेंबर, मॉस्फेट्स में ड्रेन और बॉडी एंड सोर्स एंड बॉडी, दे आर रिवर्स बायस्ड. ये पीएन जंक्शंस है बेसिकली. दीज आर द कैपेसिटेंसेस ऑफ द रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शंस फॉर्म्ड बाय द एन प्लस सोर्स रीजन, आल्सो कॉल्ड द सोर्स डिफ्यूजन एंड द पी टाइप सबस्ट्रेट एंड द एन प्लस ड्रेन रीजन, द ड्रेन डिफ्यूजन एंड द सबस्ट्रेट. ये सारी चीज़ें हम बड़ी डिटेल में लास्ट लेक्चर में, लास्ट सेमेस्टर में हम पढ़ चुके थे. और मॉस्फेट जब हमने स्टार्ट किया था सेमेस्टर में, तो उसमें भी हम पढ़ चुके थे. मैं दोबारा आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये देखें, ये देखें, यहाँ पे इस डायग्राम में ये आपके पास बॉडी जो है वो पी टाइप है, पी टाइप सबस्ट्रेट है, और ड्रेन एंड सोर्स जो है वो एन प्लस रीजन है. तो दिस एन प्लस एंड दिस बॉडी, दिस इज अ पीएन जंक्शन. पीएन जंक्शन फॉर्म्ड हियर एंड द पीएन जंक्शन फॉर्म्ड हियर. फॉर द मॉस्फेट टू वर्क प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली, दैट इज आइदर इन सैचुरेशन और ट्रायोड रीजन, दीज पीएन जंक्शंस फॉर्म बिटवीन द सोर्स ड्रेन एंड द बॉडी एंड द बॉडी सबस्ट्रेट. दीज पीएन जंक्शंस, दीज टू पीएन जंक्शंस शुड बी रिवर्स बायस्ड. तो जब आप रिवर्स बायस करते हैं पीएन जंक्शन को, तो एक डिप्लेशन लेयर एस्टैब्लिश हो जाती है बिटवीन द पीएन जंक्शन पी टाइप सबस्ट्रेट पे, यानी पी टाइप सबस्ट्रेट पे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और एन प्लस पे रीजन पे भी एन प्लस रीजन पे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और पी टाइप पे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं. दीज आर इमूवेबल चार्जेस, दीज आर आयंस विच प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम एन प्लस टू पी एंड पी रीजन टू एन प्लस रीजन. This is known as, this is the depletion region charge. तो इस PN junction को जब आप reverse bias करते हैं, यानी कि NMOS transistor में the drain should be connected at the most positive terminal at the highest potential available in the circuit, और जो bulk है, body है, it should be grounded. It should ideally be connected to the most negative potential available in the circuit, or it should be grounded. तो ये PN junction and subsequently ये PN junction दोनों रिवर्स बायस्ड होते हैं, बीच में डिप्लेशन रीजन बनती है, और जितना रिवर्स बायस आप चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, यहाँ पे इस पीएन जंक्शन पे चार्जेस की एक्यूमुलेशन या तो डिप्लेशन रीजन की वेट बढ़ेगी या कम होगी. तो दैट इज दो मेटल प्लेट्स एन एन और पी रीजन के बीच में जो डायलेक्ट्रिक मटीरियल है, उसकी जो एन और पी रीजन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम ज्यादा हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज. सो दिस रिजेंबल्स अ कैपेसिटिव इफेक्ट. ठीक है, इसको भी हम बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं सेमेस्टर के स्टार्ट में. ओके, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक. तो टू कंक्लूड, दो कैपेसिटिव इफेक्ट्स मॉस्फेट्स में होते हैं, एक गेट कैपेसिटिव इफेक्ट होता है, और एक सोर्स बॉडी इन सोर्स and drain body depletion layer capacitance effect होता है. ये दो capacitances are inherent to the structure of a MOSFET because of its physical architecture. ठीक है, gate capacitive effect की अगर बात करें, these two capacitive effects can be modeled by including capacitances in the MOSFET model between its four terminals. recall करें, मैंने आपको बताया था कि MOSFET के हर दो terminals के बीच में, यानी अगर इफ यू कंसिडर मॉस्फेट एज अ फोर टर्मिनल डिवाइस, गेट ड्रेन सोर्स एंड बल्क, तो हर दो टर्मिनल्स के बीच में एक पैरासिटिक कैपेसिटेंस मौजूद होती है. ठीक है, मीनिंग गेट टू सोर्स के बीच में कैपेसिटेंस है टर्म CGS, अगर आप इसको जूम करें यहाँ पे, गेट और ड्रेन टर्मिनल के बीच में भी कैपेसिटेंस होती है टर्म CGD, गेट टू बल्क, सोर्स टू बल्क, ड्रेन टू बल्क. ठीक है, तो हर दो टर्मिनल्स के बीच में एक कैपेसिटेंस मौजूद होती है, और सबस्क्रिप्ट के थ्रू आप देख सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस जिसकी बात हो रही है वो किन दो टर्मिनल्स के बीच में
मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट द गेट कैपेसिटिव इफेक्ट। द गेट कैपेसिटिव इफेक्ट कैन बी मॉडल्ड बाय द थ्री कैपेसिटेंसेस CGS, CGD एंड CGP। क्योंकि नाम में गेट शामिल है, गेट कैपेसिटिव इफेक्ट, तो जिन कैपेसिटेंसेस के सबस्क्रिप्ट में गेट आ रहा है, जिस तरह CGS गेट और सोर्स के बीच में कैपेसिटेंस, गेट और ड्रेन, CGD गेट और ड्रेन के बीच में कैपेसिटेंस, और CGB गेट एंड बल्क टर्मिनल्स के बीच में कैपेसिटेंस, सो दीज थ्री कैपेसिटेंसेस कैन बी एसोसिएटेड विद गेट कैपेसिटिव इफेक्ट, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ दीज कैपेसिटेंसेस कैन बी डिटरमाइंड एज फॉलोज। When the MOSFET is operating in the triode region at small VDS, the channel will be of uniform depth. The gate channel capacitance, अच्छा gate channel capacitance या oxide capacitance की अगर बात हो, तो recall करें oxide capacitance, total oxide capacitance was C ox times the area width into L, area of the MOSFET. ठीक है, this was the gate capacitance or oxide capacitance. And can be modeled by dividing it equally between the source and drain ends. Thus, CGS CGD half of WL COX. यहाँ पे आप देखें 233. Okay. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको total oxide capacitance चाहिए, total oxide capacitance, देखें this is the length, the channel length. And this dimension is the width, ठीक है। तो assume यहां पे अगर कोई channel established है, n plus electrons का channel established है, n type channel है, तो जो oxide capacitance यहां पे मौजूद है इस region में, जो oxide capacitance यहां पे मौजूद है, if you multiply it with the area length times width, तो total capacitance 3D में आपके पास total oxide capacitance आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो द टोटल ऑक्साइड कैपेसिटेंस इज ऑक्साइड कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट एरिया टाइम्स द टोटल एरिया, ऑक्साइड कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया टाइम्स द टोटल एरिया विथ इनटू लेंथ इज द टोटल ऑक्साइड कैपेसिटेंस। फिर फर्दर ये जो कैपेसिटेंस है CGS और CGD, ये डिपेंडेंट है जब आप बायसिंग कंडीशंस को चेंज कर रहे हैं। जब आप ट्रायोड रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इज लोअर देन द व्यू ओवरड्राइव वोल्टेज, बट गेट टू सोर्स वोल्टेज इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तो चैनल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चैनल की जो लेंथ और इसकी विड्थ है वो यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि VDS इज स्मॉल, ड्रेन एंड पे जो डिप्लेशन रीजन है वो एक्सटेंड नहीं कर रही, वो तब एक्सटेंड करती है, या पिंच ऑफ रीजन तब आता है जब ट्रांजिस्टर मॉस्फेट जो है वो सैचुरेशन रीजन में है। जब मॉस्फेट सैचुरेशन रीजन में नहीं है, द चैनल इज वेल डिफाइंड और उसकी डायमेंशन विड्थ लेंथ उसकी थिकनेस जो है वो इक्वल है फ्रॉम द सोर्स टू द ड्रेन एंड। तो उस सूरत में CGS एंड CGD ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस, हाफ ऑफ द ऑक्साइड कैपेसिटेंस, that is the oxide capacitance is equally divided between CGS and CGD, okay, in the triode region. Okay, when the MOSFET operates in saturation, the channel has a tapered shape and it's pinched off at or near the drain end. It can be shown that the gate to channel capacitance in this case is 2/3 of WLCOX. बिल्कुल ठीक है, जब MOSFET जो है वो saturation region में operate कर रहा होता है तो channel की shape uniform नहीं होती, जिस तरह हम इसको देख चुके, पढ़ चुके हैं। मैं आपको दोबारा इसको पिक्चर पिक्टोरिकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, दिस इज द कंडीशन, यहाँ पे चैनल एक एस्टेब्लिश हो गया है, एंड व्हेन ड्रेन टू सोर्स आर इक्विपोटेंशियल और देयर इज अ स्मॉल वोल्टेज, ड्रेन इज स्लाइटली लार्जर इन वोल्टेज इन पोटेंशियल देन द सोर्स, तो ये जो चैनल की शेप है ये यूनिफॉर्म है, और जो कैपेसिटेंस बन रही है बिटवीन द गेट एंड द चैनल, दिस कैपेसिटेंस इज ऑक्साइड कैपेसिटेंस, एंड द टोटल ऑक्साइड कैपेसिटेंस कैन बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन CGS and CGD. ये देखें, जब VDS small है तो channel की shape जो है वो uniform है from the source to the drain end, ठीक है। अब अगर हम बात करें saturation region की, यहां पे देखें, when VDS increases further, तो ये जो PN junction है ड्रेन एंड पे, सोर्स
और भाई दोनों इक्विपोटेंशियल है, दोनों पे सेम पोटेंशियल अप्लाइड है ग्राउंडेड एंड दिस रीजन इज ऑल्सो रिवर्स बायस्ड। लेकिन ड्रेन टर्मिनल पे आप वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहे हैं, मीनिंग आप रिवर्स बायस वोल्टेज इस पीएन जंक्शन का बढ़ाते जा रहे हैं, विच फर्दर हैज इम्प्लीकेशन दैट द डिप्लेशन रीजन विट एक्सटेंड्स एक्सपैंड डिप्लेशन रीजन एक्सपैंड होगा, नॉट शोन हियर। उस डिप्लेशन रीजन को एक्सपैंड होने की वजह से जो चैनल की शेप है वो ड्रेन एंड पे टेपर हो जाएगी, सोर्स एंड पे चैनल की शेप उतनी होगी या यहाँ पे उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, और यहाँ पे क्योंकि चैनल में चार्ज तो उतना ही है तो ड्रेन एंड पे जो है वो चैनल की जो शेप है वो टेपर्ड हो जाएगी, द चैनल शेप विल नो लॉन्गर बी यूनिफॉर्म। फर्दर यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ VDS अबव और इक्वल टू वी ओवरड्राइव, द चैनल विल पिंच ऑफ हियर, यानी कि यहाँ से ले यहाँ पे चैनल पिंच ऑफ होगा और सोर्स एंड पे चैनल की मैक्सिमम थिकनेस होगी। तो कैपेसिटेंस उतनी मौजूद है, ऑक्साइड कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉलीसिलिकॉन गेट एंड द चैनल, द कैपेसिटेंस इज सी ऑक्साइड, लेकिन ये सी ऑक्साइड, ये जो सी ऑक्साइड है इसमें मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन अब गेट और सोर्स कैपेसिटेंस की होगी, क्योंकि गेट पे जो चार्ज है सोर्स पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है कंपेयर टू द ड्रेन रीजन, सोर्स रीजन पे सोर्स एंड पे चैनल की थिकनेस ज्यादा है कंपेयर टू द ड्रेन रीजन, और जितनी चैनल की थिकनेस होती है उतना ही वो चार्ज एक्यूमुलेट कर सकता है। तो यहाँ पे CGS विल बी 2/3 ऑफ ऑक्साइड कैपेसिटेंस, टोटल ऑक्साइड कैपेसिटेंस का 2/3 पोर्शन CGS लेके जाएगा, जबकि यहाँ पे अगर पिंच ऑफ है, ये अभी MOSFET जो है वो सैचुरेशन रीजन में नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ फाइनाइट डेप्थ या फाइनाइट थिकनेस मौजूद है चैनल की ड्रेन एंड पे, वेन द चैनल इज इन सैचुरेशन तो यहाँ पे जो है पिंच ऑफ हो जाता है, चैनल सीज टू एग्जिस्ट। VGD गेट टू ड्रेन वोल्टेज डिफरेंस इज लेस देन और इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और जब ये कंडीशन हो जाए VDS इज ग्रेटर देन V ओवरड्राइव एंड VGD गेट टू ड्रेन वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन और इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ द MOSFET देन द चैनल सीज टू एग्जिस्ट, चैनल यहाँ पे पिंच ऑफ कंडीशन में आ जाता है, मीनिंग गेट और ड्रेन के बीच में जो कैपेसिटेंस है वो जीरो हो जाएगी। यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं इस फिगर में ऑक्साइड कैपेसिटेंस का, ये सिर्फ चैनल यहाँ पे बना हुआ है, आप ज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इंसुलेशन लेयर ऊपर जो है वो पॉलीसिलिकॉन है, तो ऑक्साइड कैपेसिटेंस CGS टेक्स द बल्क ऑफ द ऑक्साइड कैपेसिटेंस दैट इज 2/3, और यहाँ पे ड्रेन रीजन पे ड्रेन एंड पे चैनल एग्जिस्ट नहीं करता तो CGD इज जीरो। तो हेंस CGD जीरो एंड CGS इज 2/3 ऑफ WLCOX। ओके, थर्ड कंडीशन MOSFET की है, कट ऑफ रीजन में व्हेन द MOSFET इज कट ऑफ द चैनल डिसअपीयर्स एंड द CGS एंड CGD आर जीरो। हाउएवर वी कैन ऑफर सम रादर कॉम्प्लेक्स रीजनिंग मॉडल द गेट कैपेसिटिव इफेक्ट बाय असाइनिंग अ कैपेसिटेंस WLCOX टू द गेट बॉडी मॉडल कैपेसिटेंस, दैट इज जब MOSFET जो है वो कट ऑफ रीजन में है, गेट टू सोर्स वोल्टेज इज लेस देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तो कोई चैनल एस्टैब्लिश नहीं होगा, तो गेट टू सोर्स और गेट टू ड्रेन दोनों कैपेसिटेंस जीरो होंगी, लेकिन गेट टू बल्क कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू ऑक्साइड कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया टाइम्स द होल एरिया विथ इन टू एल, सो दैट इज द गेट टू बल्क कैपेसिटेंस। रिकॉल करें अगेन एनमॉस ट्रांजिस्टर्स के केस में गेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाइड है, और बल्क में होता क्या है कि एक डिप्लेशन रीजन एस्टैब्लिश हो जाती है, व्हेन यू अप्लाई मोर पॉजिटिव पोटेंशियल गेट के नीचे का जो रीजन है जो कि पी टाइप है, वहां से होल्स जो है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो गेट से पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाते हैं, लीविंग बिहाइंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ अ चैनल अ लेयर अ डिप्लेशन लेयर ऑफ नेगेटिव आयंस इन एन एनमॉस ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड, तो जितना पॉजिटिव पोटेंशियल गेट पे होगा उतने ही नेगेटिव आयंस, उतने ही होल्स रिपेल करेंगे अंडर द गेट रीजन ऑफ द पी टाइप सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के जो होल्स है, सबस्ट्रेट क्योंकि पी टाइप का है तो उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स है, तो जब आप पॉजिटिव चार्ज पे पॉजिटिव होल पे चार्ज पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो होल्स विल रिफ्लेक्ट बैक, विल द होल्स विल रिपेल अंडर द गेट रीजन लीविंग बिहाइंड नेगेटिव आयंस, तो जितना पॉजिटिव पोटेंशियल आप गेट पे दे रहे हैं उतने ही आयंस सबस्ट्रेट में फॉर्म हो रहे हैं, सो दिस इज अगेन अ कैपेसिटेंस, द बिहेवियर ऑफ अ कैपेसिटेंस, और बीच में जो डायलेक्ट्रिक लेयर है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। तो इन कट ऑफ रीजन वी हैव ओनली गेट टू बल्क कैपेसिटेंस,
which takes up the entire portion of oxide capacitance, और CGS और CGD जो है वो जीरो होती है क्योंकि कोई चैनल एस्टैब्लिश नहीं होता. जब चैनल एस्टैब्लिश हो जाता है फॉर द केस ऑफ सैचुरेशन एंड ट्रायोड रीजंस, तो बल्क CGB गेट टू बल्क कैपेसिटेंस बहुत ही कम होती है बिकॉज द बल्क इज आइसोलेटेड, यानी कि बल्क के ऊपर चैनल एस्टैब्लिश हो गया. ओके जी, चौथी तरह की गेट कैपेसिटेंस होती है, देयर इज एन एडिशनल गेट कैपेसिटेंस, द ओवरलैप कैपेसिटेंस, जिस तरह मैंने आपको बताया अभी. यहां पे आप देखें कि इतना रीजन गेट का सोर्स के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, जो गेट रीजन है वो यहां एन प्लस की बाउंड्री पे एंड नहीं हो रहा बल्कि ओवरलैप कर रहा है सोर्स रीजन से. सो जितना पोर्शन वो ओवरलैप कर रहा है, डैट इज उसकी नतीजे में जो कैपेसिटेंस बन रही है, डैट इज ओवरलैपिंग कैपेसिटेंस. और ओवरलैपिंग कैपेसिटेंस जो है वो भी ऑक्साइड कैपेसिटेंस या गेट ऑक्साइड का हिस्सा है, इसका पार्ट है. सिमिलरली यहाँ पे ड्रेन एंड पे भी इतना रीजन जो है, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे डायलेक्ट्रिक मटेरियल है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो इतना रीजन गेट मटेरियल का, गेट का ड्रेन के ऊपर ओवरलैप कर रहा है. सो दिस इज ऑल्सो ओवरलैपिंग कैपेसिटेंस, गेट टू ड्रेन ओवरलैप कैपेसिटेंस, एंड दिस इज ऑल्सो गेट टू सोर्स ओवरलैप कैपेसिटेंस, which needs to be added by the in the total capacitance. यहां पे आप देख सकते हैं overlap capacitance क्या होगी, है तो oxide capacitance but for the area W times L overdrive, width times, width तो सबकी same है लेकिन length जो है वो L overlapping length को हमने consider करना है क्योंकि ये ओवरलैपिंग कैपेसिटेंस है एंड ओवरलैपिंग लेंथ इज 0.05 टू 0.1 ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द टोटल चैनल लेंथ, दिस इज द ओवरलैप कैपेसिटेंस. ठीक है, सो देयर इज एन एडिशनल स्मॉल कैपेसिटेंस कंपोनेंट दैट शुड बी एडेड टू CGS एंड CGD इन द प्रीसीडिंग फार्मूलाज. तो यहां पे पिछले फार्मूलाज में अगर आप ऐड कर देंगे ओवरलैपिंग कैपेसिटेंस को, इट शुड बी एडेड बिटवीन द टू द गेट एंड सोर्स एंड गेट एंड ड्रेन कैपेसिटेंसेस. टू कंक्लूड, चार तरह की कैपेसिटेंसेस हमारे पास हैं, गेट कैपेसिटिव इफेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं चार तरह की कैपेसिटेंस, और ये जो कैपेसिटेंसेस हैं ये बायस डिपेंडेंट है, डीसी बायस डिपेंडेंट है. जब ट्रायोड रीजन है तो CGS और CGD की वैल्यूज डिफरेंट है, ऑक्साइड कैपेसिटेंस हाफ डिवाइड इक्वली डिवाइड हो जाती है बिटवीन CGS एंड CGD. ट्रायोड रीजन है तो चैनल एस्टैब्लिश्ड है, सैचुरेशन रीजन में चैनल इज पिंच्ड ऑफ एट द ड्रेन एंड और उसकी जो थिकनेस है चैनल की वो ज्यादा है सोर्स एंड पे, तो ऑक्साइड कैपेसिटेंस का 2/3 पोर्शन गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस लेके जा रही होती है, गेट टू ड्रेन कैपेसिटेंस जीरो होती है. कट ऑफ रीजन में CGS और CGD एग्जिस्ट नहीं करती, गेट टू सोर्स और गेट टू ड्रेन कैपेसिटेंस जीरो है, लेकिन गेट टू बल्क कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करती है, फॉर्म बिटवीन द गेट एंड द बल्क, वो जो नेगेटिव आयंस की एनमॉस ट्रांजिस्टर के केस में नेगेटिव आयंस की जो डिप्लेशन रीजन फॉर्म होती है उसके बीच पर. और चौथी कैपेसिटेंस है ओवरलैपिंग कैपेसिटेंस, और ये ओवरलैपिंग कैपेसिटेंस भी तब होती है जब चैनल एस्टैब्लिश होता है, तो दिस ओवरलैपिंग कैपेसिटेंस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ऑक्साइड कैपेसिटेंस. ठीक है, और कितना कंट्रीब्यूशन है इसका, विथ टाइम्स एल ओवरड्राइव, दैट इज द एरिया विद व्हिच सीओक्स विल बी मल्टीप्लाइड, एंड दीज ओवरलैपिंग कैपेसिटेंसेस नीड टू बी एडेड विद CGS एंड CGD. ओके, ये जो ओवरलैपिंग कैपेसिटेंस है ये इरिस्पेक्टिव ऑफ के कट ऑफ है, कट ऑफ रीजन है, सैचुरेशन और ट्रायड रीजन है, ये ओवरलैपिंग कैपेसिटेंस गेट की ओवरलैपिंग की वजह से है, द गेट मटेरियल व्हिच इज हैज एन ओवरलैपिंग एरिया विद द सोर्स एंड ड्रेन, सो दिस इज प्रेजेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द बायसिंग कंडीशन, एंड दीज ओवरलैपिंग कैपेसिटेंस विल बी एडेड टू CGS एंड CGD. ठीक है, तो गेट कैपेसिटिव इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए चार कैपेसिटेंसेस मौजूद होती है. देन देयर इज अ फोर्थ, देयर इज अनदर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की क्लासिफिकेशन दो थी, गेट कैपेसिटेंस एंड जंक्शन कैपेसिटेंस. तो गेट कैपेसिटेंस इज क्लासिफाइड इनटू फर्दर क्लासिफाइड सब क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरीज. द जंक्शन कैपेसिटेंस ऑन द अदर हैंड, वो जो PN जंक्शन, जो रिवर्स बायस PN जंक्शन बन रहे थे सोर्स एंड बॉडी का, सोर्स बल्क जंक्शन एंड ड्रेन बल्क जंक्शन, तो वहां पे कैपेसिटर, ये दो तरह की इट कैन बी फर्दर सब क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सोर्स टू बल्क कैपेसिटेंस, और ये हमें पता है कि रिवर्स बायस की वजह से जो एग्जिस्ट करती है कैपेसिटेंस अपॉन द PN जंक्शन,
ये पीएन जंक्शन जब हमने डायोड्स पढ़े थे तो वहां पे हमने ये डिराइव किया था. दिस इज द फॉर्मूला, सोर्स टू बल्क कैपेसिटेंस जंक्शन कैपेसिटेंस इज गिवन बाय सीएसबी नॉट. यहाँ पे सबस्क्रिप्ट जीरो जो है या नॉट, ये इस वजह से है कि व्हेन देयर इज नो रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द सोर्स एंड बल्क, व्हेन द सोर्स एंड बल्क आर इक्विपोटेंशियल, तो उस वक्त यहाँ पे सीएसबी जीरो न्यूमरेटर में आता है. डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वन प्लस वीएसबी डिवाइडेड बाय वी नॉट, यहाँ पे वीएसबी इज द सोर्स टू बल्क रिवर्स बायस वोल्टेज. सिमिलरली ड्रेन और बल्क के बीच में भी कैपेसिटेंस होगी सीडीबी, एंड सीडीबी इज ऑल्सो गिवन बाय दिस फॉर्मूला. सिर्फ एस बी की जगह सोर्स बल्क में एस बी की जगह डी बी सबस्क्रिप्ट आप यूज कर लें, सी डी बी जीरो. एंड सी डी बी जीरो मीन्स के ड्रेन और बल्क दोनों इक्विपोटेंशियल है, देयर इज नो रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द ड्रेन एंड बल्क. और वी डी बी इज द ड्रेन टू बल्क रिवर्स बायस वोल्टेज. ठीक है, ओके ओके. इट शुड बी नोटेड दैट ऑल्सो दैट ईच ऑफ दीज जंक्शन कैपेसिटेंसेस इंक्लूड्स a component arising from the bottom side of the diffusion and a component arising from the side walls of the diffusion. In this regard, observe that each diffusion has three side walls that are in contact with the substrate and thus contribute to the junction capacitance. This fourth wall is in contact with the channel. ठीक है, अब आप अगर इसको इस फिगर को देखें, थ्री डायमेंशनल व्यू को, तो इस पीएन जंक्शन कैपेसिटेंस या जंक्शन कैपेसिटेंस की बात हो रही है जो सबस्ट्रेट और एंट्रस रीजन के बीच में, यहां पे भी सबस्ट्रेट और एंट्रस सोर्स रीजन के बीच में. अब ये जो एंट्रस रीजन है, ये बॉटम, इसका जो बॉटम साइड है वो भी इस सबस्ट्रेट रीजन के साथ इंटरैक्ट कर रही है. और फर्दर इसकी तीन साइड, इसकी यहां पर देखें चार साइड वॉल्स है, 1, 2, 3 और एक चैनल की तरफ है, चार साइड वॉल्स है. आप इसके थ्री डायमेंशनल व्यू को जहन में लाएं, तो ये जो जंक्शन कैपेसिटेंस है इसके फर्दर दो टाइप्स हैं. एक जो बॉटम प्लेट कैपेसिटेंस की वजह से है जंक्शन कैपेसिटेंस, यानी कि ये जो एन प्लस रीजन है इसके बॉटम इज फेसिंग द सबस्ट्रेट, और साइड वॉल्स की वजह से, एक ये साइड वॉल है, सेकेंड ये साइड वॉल है. जो ये साइड वॉल जो है, जो एंट्रस रीजन यहाँ पे डोप्ड आपको नजर आ रहा है, ये सबस्ट्रेट के साथ कैपेसिटेंस बना रही है. फिर ये जो सेकेंड साइड वॉल है, ये भी सबस्ट्रेट के साथ कैपेसिटेंस बना रही है, पीछे वाली साइड वॉल. लेकिन ये जो चौथी साइड वॉल है, ये चैनल रीजन, इट इज फेसिंग द चैनल रीजन. तो ये तीन साइड वॉल कैपेसिटेंसेस मे बी सिमिलर, आर सिमिलर, बट दे आर नॉट सिमिलर, नॉट इक्विवेलेंट टू the junction region which is facing the channel. So this needs to be considered. The junction capacitance, to conclude, the junction capacitance is represented by two capacitances, the sidewall capacitances, where the three sidewall capacitances are equal, and the sidewall facing the channel, it is different. This capacitance is different from the sidewall capacitances and the bottom plate capacitance. जो n plus region का bottom का जो हिस्सा है, n plus region का, वो substrate के साथ capacitance form कर रहा है. And the same applies for the source region, source body junction capacitance. Okay. अब जब capacitances हमें पता है MOSFET की क्या है, तो let's talk about the high frequency MOSFET model. यहां पे आप देख सकते हैं, दिस इज द हाई फ्रीक्वेंसी मॉस्फेट मॉडल इन सैचुरेशन रीजन. देखिए, टर्मिनल्स गेट, ड्रेन, सोर्स और बल्क. मॉस्फेट इज कंसिडर्ड एज अ फोर टर्मिनल डिवाइस हियर. गेट और सोर्स के बीच में कैपेसिटेंस है सीजीएस, जिसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप है वीजीएस. गेट और ड्रेन के बीच में कैपेसिटेंस है सीजीडी. ठीक है, फिर जीएम वीएस वीजीएस, यानी कि गेट ड्रेन से लेकर सोर्स तक जो करंट फ्लो कर रहा है, इट इज जीएम वीजीएस इन सैचुरेशन रीजन. ड्रेन करंट ये होगा. बॉडी इफेक्ट, व्हेन द सोर्स एंड बॉडी आर नॉट इक्विपोटेंशियल, दे आर नॉट एट द सेम पोटेंशियल, तो सोर्स और बल्क के बीच में वोल्टेज ड्रॉप है, जिसकी वजह से एक और करंट या बॉडी इफेक्ट मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज जीएमबी वीबीएस. ठीक है, एक और वोल्टेज डिपेंडेंट करंट, current source needs to be considered between the drain and source, and this bulk to source terminal actually acts as the secondary gate.
एक तो मेन गेट टर्मिनल यहाँ पे है कि गेट और सोर्स के बीच में जो भी वोल्टेज अप्लाइड है ड्रेन और सोर्स के बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स. जब सोर्स और बल्क इक्विपोटेंशियल नहीं है सो द बॉडी टर्मिनल और द बल्क टर्मिनल एक्ट्स एज अ सेकेंडरी गेट. और यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाइड होता है वीएसबी के बीच में उसका इफेक्ट होता है ऑन द करंट फ्लो बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल. सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस इफेक्ट मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स जीएमबी वीबीएस. हियर दिस जीएमबी इज बॉडी ट्रांसकंडक्टेंस एंड जीएम इज द एक्चुअल ट्रांसकंडक्टेंस ऑफ द डिवाइस. फिर अगर चैनल एंड मॉड्यूलेशन इफेक्ट है तो आर नॉट यहाँ भी मौजूद है बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स. R0 is VA upon ID, V is early voltage. और यहाँ पे ड्रेन और बल्ब के बीच में भी कैपेसिटेंस मौजूद है CDB, और सोर्स और बल्ब के बीच में भी कैपेसिटेंस मौजूद है CSB. अच्छा जी, दिस इज अ रैदर कॉम्प्लिकेटेड हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल. जब आप हैंड कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो इतनी सारे कैपेसिटिव इफेक्ट्स को कंसिडर करना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, कैलकुलेशंस जो है वो बड़ी कंबरसम हो जाती हैं. तो इस चीज़ को इसे बचने के लिए भी स्लाइटली सिंप्लीफाई द मॉडल. And how do we do that? We say that the source and bulk are equipotential. जब source और bulk equipotential है तो हमारे पास ना तो कोई it means अगर हम body effect को consider ना करें तो ये जो GMB VBS current source है ये open circuit हो जाएगी और source और bulk के बीच में जो capacitance है उसको भी हम ignore कर सकते हैं. So the simplified version, simplified model, high frequency model of the MOSFET is this figure here. Where no body effect is considered, that is the source and bulk are equipotential. तो source to bulk capacitance यहाँ पे खत्म हो गई और जो current source थी वो भी it is replaced with an open circuit. ठीक है. और further if we need to simplify, we assume के drain to bulk capacitance जो है वो बहुत ही कम है, which is actually the case in discrete circuit design, for instance. तो we can also ignore CDB because CDB capacitance is small compared to CGD and CGS capacitances. That's an assumption for simplification or for simple analysis. यानी हम जो analysis perform करेंगे आगे high frequency models consider करते हुए उसमें हम आसान model से शुरू करेंगे, simplified model से शुरू करेंगे and further we'll move towards complicated model. In this course, however, we'll not proceed towards complicated models. हम अपनी कॉम्प्लिकेशंस को कम करेंगे, सिंप्लीफाइड मॉडल्स की तरफ जाएंगे. एंड दिस इज द सिंप्लीफाइड मॉडल जहां पे हाई फ्रीक्वेंसी मॉस्फेट मॉडल में हम सिर्फ दो कैपेसिटेंसेस को कंसीडर कर रहे हैं, गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस एंड गेट टू ड्रेन कैपेसिटेंस. ठीक है, ओके ओके. देन लेट्स टॉक अबाउट द मॉस्फेट यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी FT, अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ मेरिट फॉर अ मॉस्फेट. A figure of merit for the high frequency operation of the MOSFET as an amplifier is the unity gain frequency FT, also known as the transition frequency, which gives rise to the subscript T. यानी ये जो T यहाँ पे subscript में है, ये transition को represent कर रहा है. Transition frequency. This is defined as the frequency at which the short circuit current gain of the common source configuration becomes unity. यहां पे आप देखें ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे करंट गेन ऑफ अ मॉस्फेट, करंट गेन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट करंट, दिस करंट गेन इज 1. ठीक है, ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे द करंट गेन, द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट करंट ऑफ अ मॉस्फेट इज 1. ओके, अब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, लेट्स आइडेंटिफाई दिस फ्रीक्वेंसी, क्वांटिफाई इट, लेट्स डिराइव अ फॉर्मूला. यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज द मॉडल विच वी आर कंसिडरिंग, अगेन मॉस्फेट इन सैचुरेशन रीजन. और यहां पे शॉर्ट सर्किट, हमने आर नॉट को शॉर्ट सर्किट कर दिया क्योंकि जब भी ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट सर्किटेड करंट गेन रेशियो, दैट इज द रेशियो ऑफ आई आउटपुट टू आई इन when the output terminal is shorted. जब आप output terminal को short कर देंगे तो ये R naught जो है वो bypass हो जाएगा क्योंकि इसके parallel में एक short circuit लगा हुआ है. ठीक है, and this I out and II ratio is what we want, and when this ratio is 1 at what frequency is it 1,
दैट इज आवर ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी। कैपेसिटेंसेस जो हमने कंसिडर किए हैं वो गेट टू सोर्स के बीच में CGS कंसिडर किए हैं और गेट टू ड्रेन CGD, ये दो कैपेसिटेंस हमने कंसिडर किए हैं। और द मॉस्फेट इज बायस्ड इन सैचुरेशन रीजन DC बायसिंग एंड दिस द स्मॉल सिग्नल मॉडल हियर GMVGS आर नॉट इंक्लूडिंग चैनल एंड मॉड्यूलेशन इफेक्ट। तो यहां पे आप देखें कि अगर आप इस नोड पे KCL अप्लाई करें, इस नोड पे आप KCL अप्लाई करें तो दो करंट्स इस नोड पे एंटर हो रहे होंगे। वन करंट इज फ्लोइंग थ्रू CGD, ये AC करंट्स की बात हो रही है ऑफ कोर्स। तो ये एक करंट जो है वो CGD से पास हो रहा होगा, व्हिच इज करंट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, द वोल्टेज इज VGS, मीनिंग इस गेट टर्मिनल इस CGD कैपेसिटेंस के ऊपर भी गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाइड होगा, क्योंकि दिस CGD विल बी इन पैरेलल विद CGS व्हेन यू अप्लाई अ शॉर्ट सर्किट एट द आउटपुट। यानी यहां पे करंट II इनपुट करंट यहां पे डिवाइड होगा बिटवीन CGS एंड यहां पे CGD। ये देखें, ये CGD जो है वो गेट और इस शॉर्ट सर्किट की वजह से सोर्स एंड पे कनेक्टेड है। तो CGD के इज कनेक्टेड बिटवीन द गेट एंड द सोर्स एंड, यहां पे ड्रेन, बिकॉज द ड्रेन एंड सोर्स आर इक्विपोटेंशियल, दे आर शॉर्टेड। तो CGS इज इन पैरेलल विद CGD, मीनिंग जो वोल्टेज VGS CGS पे वोल्टेज होगा विच इज VGS, वही वोल्टेज ड्रॉप CGD पे होगा। तो इट इज दोनों पे पैरेलल में कनेक्टेड है, तो दोनों पे वोल्टेज ड्रॉप VGS होगा। सो द करंट थ्रू CGD कैपेसिटेंस CGD विल बी इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस VGS डिवाइडेड बाय 1 अपॉन SCGD, और SCGD जो है वो ऊपर आ जाएगा VGS के साथ। सो दिस इज द करंट फ्लोइंग इनटू दिस नोड, और I आउटपुट करंट है वो R0 में फ्लो नहीं कर रहा, शॉर्ट सर्किटेड है, R0 इज बाईपास्ड। तो ये करंट I0 करंट भी यहाँ पे इस नोड पे एंटर हो रहा है। तो इस नोड पे आउटपुट नोड पे दो करंट एंटर हो रहे हैं, SCGD VGS प्लस I0, और एक करंट लीव हो रहा है विच इज इक्वल्स टू GMVGS। तो यहां से आप I आउटपुट करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग KCL फॉर्मूला, किरचॉफ्स करंट लॉ, I आउटपुट प्लस SCGD VGS इज इक्वल्स टू GMVGS। और यहां से आप इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं VGS की टर्म को, तो आउटपुट करंट का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगेन वी अज्यूम, बिकॉज वी नीड टू सिंप्लीफाई थिंग्स, अगेन इफ यू अज्यूम क्या कि ये जो कैपेसिटेंस है CGD, इट इज वेरी स्मॉल, दैट इज इस इक्वेशन में ये जो सेकंड टर्म है इट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द फर्स्ट टर्म, एंड दैट इज पॉसिबल व्हेन CGD कैपेसिटेंस इज वेरी स्मॉल। सो द आउटपुट करंट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय GMVGS। तो यहां पे इफ CGD इज वेरी स्मॉल द आउटपुट करंट, द सेकंड टर्म इन द आउटपुट करंट इक्वेशन कैन बी इग्नोर्ड, कैन बी निग्लेक्टेड। सो I आउटपुट करंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू GM टाइम्स VGS। अब VGS, अगर VGS किसी तरह इनपुट करंट के टर्म्स में लिखा जाए तो वी कैन हैव द करंट गेन रेशियो। VGS क्या है, II डिवाइड बाई, यहां पे आप देखें वोल्टेज इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये दो इन दो कैपेसिटर्स को क्योंकि पैरेलल में लगे हुए पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनकी जगह आप एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट कैपेसिटेंस विल बी CGS प्लस CGD, क्योंकि दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हुए। तो VGS क्या होगा, गेट टू सोर्स वोल्टेजेस, दिस सर्किट रिड्यूसेस इनटू अ सिंपल करंट II एंटरिंग इनटू अ टोटल कैपेसिटेंस विच इज CGS प्लस CGD। सो वोल्टेजेस करंट इनटू रेजिस्टेंस, और इन दिस केस करंट इनटू रिएक्टेंस। तो VGS विल बी इक्वल टू II टाइम्स 1 अपॉन SCGS प्लस CGD। सो दिस इज VGS, और यहां पे आप इस इक्वेशन में 9.28 में आप VGS की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, तो द आउटपुट करंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ II को इक्वेशन की दूसरी तरफ आप ले जाएं, तो दिस इज GM डिवाइड बाय SCGS प्लस CGD। S की जगह यू रिप्लेस इट विद अ फिजिकल फ्रीक्वेंसी, S इक्वल्स टू G ओमेगा। S इज प्योरली कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, इट इज प्योरली इमेजिनरी। तो यहां पे आप G ओमेगा की जगह, सो वी ओमेगा T, एंड इट कैन बी सीन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट गेन बिकम्स यूनिटी एट द फ्रीक्वेंसी। अब आप S की जगह G ओमेगा से सब्स्टिट्यूट कर लें और मैग्नीट्यूड निकालें इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का। जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे
that magnitude, I output upon II magnitude should be equal to 1, and that will be equal to 1 only when omega t is equal to this gm upon cgs plus cgd. और ओमेगा टी को जब आप 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, सो दिस इज योर ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे एक स्टेप स्किप हुआ है जो कि आप खुद कर सकते हैं, कि या ये जो करंट गेन है, एस की जगह यू रिप्लेस इट विद जे ओमेगा. आप इस इक्वेशन का करंट गेन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है. ऊपर न्यूमरेटर जो है वो इट्स अ कॉन्स्टेंट, डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड निकल आएगा, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर स्क्वायर रूट. तो उस पर फिर आप इस करंट गेन इक्वेशन को, करंट गेन को 1 से इक्वेट कर देंगे, तो ओमेगा टी की वैल्यू निकल आएगी, या फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी पे करंट गेन 1 है. तो आप उस फ्रीक्वेंसी के सबस्क्रिप्ट पे आप टी लगा सकते हैं, दैट इज योर ट्रांजिट फ्रीक्वेंसी. इस ओमेगा टी को आप 2 पाई से डिवाइड कर दें तो आपके पास एफ टी ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी से आप एफ टी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में आप ट्रांसफर कर देंगे सिंपली बाय डिवाइडिंग ओमेगा टी बाय 2 पाई. So this is the transition frequency. Ft is proportional to Gm and inversely proportional to the MOSFET's internal capacitances. ठीक है, जितना किसी भी MOSFET की transition frequency ज़्यादा होगी, उतना ही high frequency amplifier आप उस transistor के through design कर सकते हैं. जितनी transition frequency किसी MOSFET की कम होगी, उतना ही low frequency amplifier आप उस MOSFET से डिजाइन कर सकते हैं. सो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली अ फिगर ऑफ मेरिट जो कि इंडिकेट करता है कि एक MOSFET कितनी हाई फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकता है. अगर करंट गेन 1 से कम हो जाए, 0.9 0.8 किसी भी MOSFET का करंट गेन अगर 1 से कम हो जाए, इट मींस दैट MOSFET इज नो लॉन्गर एबल टू एम्पलीफाई दैट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसका करंट गेन इज लेस देन 1. सो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी हमें उस MOSFET की यूजेज लिमिट बताती है, कि अगर आपको लेट्स से एक एम्पलीफायर डिजाइन करना है 2 GHz का फॉर इंस्टेंस, तो अगर आपको एम्पलीफायर डिजाइन करना है MOSFET से, तो जो MOSFET आप सिलेक्ट करेंगे, आपको देखना होगा कि वो जो MOSFET है जो आपने चूज किया है, क्या उसकी ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी कहीं 2 GHz से कम तो नहीं है. द ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट MOSFET विच हैज टू बी फर्दर इनकॉर्पोरेटेड इन योर एम्पलीफायर डिजाइन, the transition frequency of that MOSFET should be greater than, much greater than the frequency at which your amplifier is being designed. So let's say agar aap 2 GHz pe apne amplifier ko design karte hain, aapki requirement 2 GHz amplifier ki hai, to jo MOSFET aap use karenge unki transition frequency at least 8 10 15 20 GHz ya isse kahi zyada honi chahiye. जितनी ट्रांजिस्टर की लेंथ कम होती है, उतनी ही ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है. ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसकंडक्टेंस ऑफ द MOSFET. ठीक है, जितनी MOSFET की ट्रांसकंडक्टेंस ज्यादा होगी, उतनी ही ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी, यानी उतने ही आप उस फ्रीक्वेंसी, उस ट्रांजिस्टर से हायर फ्रीक्वेंसी सर्किट्स या एम्पलीफायर्स डिजाइन कर सकते हैं. एंड दिस ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गेट कैपेसिटेंस CGS एंड CGD. जितनी ट्रांजिस्टर की लेंथ ज्यादा होगी, उतनी ही ट्रांजिस्टर की ऑक्साइड कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, या जितनी ट्रांजिस्टर की लेंथ या विड्थ ज्यादा होगी, उतनी ट्रांजिस्टर की ऑक्साइड कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, इंप्लाइंग उतनी ही गेट टू सोर्स और गेट टू ड्रेन कैपेसिटेंसेस ज्यादा होंगी, एंड द ट्रांजिस्टर विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट एट हायर फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि एफ टी ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी एंड द गेट कैपेसिटेंसेस आर इनवर्सली रिलेटेड. ठीक है, टिपिकली एफ टी रेंजेस फ्रॉम अबाउट 100 MHz फॉर ओल्डर टेक्नोलॉजीज, एग्जाम्पल 5 माइक्रोमीटर CMOS प्रोसेस. ये जो 5 माइक्रोमीटर CMOS प्रोसेस की बात हो रही है, ये MOSFET के लेंथ की बात हो रही है, कि 5 माइक्रोमीटर इज द मैक्सिमम अलाउएबल लेंथ ऑफ दैट ऑफ अ ट्रांजिस्टर इन अ गिवन टेक्नोलॉजी. और 0.13 माइक्रोमीटर की बात करें, 5 माइक्रोमीटर से बहुत कम है 0.13 माइक्रोमीटर ट्रांजिस्टर की लेंथ, तो कई GHz, सेवल GHz पे वो ऑपरेट कर सकता है. तो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी जो है, इट इज डिफाइंड, इट्स अ टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर डिफाइंड बाय GM, CGS एंड CGD. ठीक है, जितनी MOSFET की, द टेक अवे इज कि जितनी MOSFET की ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, हायर होगी, उतना ही वो उस MOSFET से आप हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स डिजाइन कर सकते हैं. और ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी क्या फ्रीक्वेंसी है? इट इज दैट फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट गेन of a MOSFET is 1. Okay. Okay. Hence, to conclude, this is the MOSFET high frequency model
कंसिडरिंग ऑल पैरासिटिक कैपेसिटेंस कैपेसिटर इफेक्ट्स, ठीक है, इन सैचुरेशन रीजन ऑफ कोर्स, गेट टू सोर्स के बीच में कैपेसिटेंस है, गेट टू ड्रेन के बीच में कैपेसिटेंस है, चैनल एंड मॉड्यूलेशन इफेक्ट है, बॉडी इफेक्ट है, जीएमबी वीबीएस व्हेन सोर्स एंड बल्क आर नॉट इक्विपोटेंशियल, सोर्स टू बल्क के बीच में कैपेसिटेंस है, बल्क टू सोर्स के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप है, ड्रेन टू बल्क कैपेसिटेंस है. दिस इज द कंप्लीट हाई फ्रीक्वेंसी मॉस्फेट मॉडल. ट्रांसकंडक्टेंस ऑफ अ मॉस्फेट इज म्यू एन सी ऑक्स विद पैनल वीओ ड्राइव. ये तीन फॉर्मूलाज ट्रांसकंडक्टेंस के हमें पता है. जीएमबी इक्वल्स टू ईटा टाइम्स जीएम, ये बॉडी इफेक्ट. हाउ इज बॉडी इफेक्ट ट्रांसकंडक्टेंस रिलेटेड टू नॉर्मल ट्रांसकंडक्टेंस? आर नॉट इज चैनल एंड मॉड्यूलेशन इफेक्ट वीए अपॉन आईटी, वीए इज अर्ली वोल्टेज. सीजीएस सैचुरेशन रीजन में तो गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस इज टू थर्ड ऑफ द ऑक्साइड कैपेसिटेंस. एंड ऑक्साइड कैपेसिटेंस इज ऑक्साइड कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया टाइम्स द कंप्लीट एरिया एडेड विद द ओवरलैपिंग कैपेसिटेंस. सी ऑक्साइड ऑक्साइड कैपेसिटेंस टाइम्स द ओवरलैपिंग एरिया. दिस इज द ओवरलैप कैपेसिटेंस. सीजीडी इज इन सैचुरेशन रीजन. जो सीजीडी कैपेसिटेंस है वो प्योरली सिंपली ओवरलैपिंग एरिया की वजह से होगी, ठीक है, सीजीएस इन सीजीडी. फिर फर्दर जंक्शन कैपेसिटेंस इज सोर्स टू बल्क जंक्शन कैपेसिटेंस गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ड्रेन टू बल्क जंक्शन कैपेसिटेंस गिवन बाय दिस फॉर्मूला, एंड द ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी एफटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसकंडक्टेंस ऑफ अ मॉस्फेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सीजीएस एंड सीजीडी गेट कैपेसिटेंसेस. ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स नाउ. बाइपोलर बीजीटी ट्रांजिस्टर्स में भी कैपेसिटिव इफेक्ट्स मौजूद होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैपेसिटिव इफेक्ट्स इज बेस चार्जिंग और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, सीडीई. अब रिकॉल करें कि जब एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में बायस करते हैं, यानी कि एमिटर टू बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर टू बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड, ठीक है, तो होता क्या है कि एमिटर टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करना शुरू करते हैं टुवर्ड्स द कलेक्टर टर्मिनल, एंड इन डूइंग सो वो बेस रीजन से पास करते हैं, ठीक है, बेस रीजन से वो ट्रैवर्स करते हैं. तो थोड़ी देर के लिए वो बेस रीजन में रुकते हैं एंड देन फर्दर ट्रैवल फॉरवर्ड टुवर्ड्स द कलेक्टर रीजन, एंड देन दे आर फाइनली कलेक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाइड एट द कलेक्टर टर्मिनल. तो एमिटर से कलेक्टर की तरफ डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, एंड वाइल डूइंग सो दे पास थ्रू द बेस रीजन. फॉर एन एनपीएन ट्रांजिस्टर द स्टोर्ड इलेक्ट्रॉन चार्ज इन द बेस क्यूएन मे बी एक्सप्रेस, अच्छा, व्हेन द ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग इन द एक्टिव मोड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर चार्ज इज स्टोर्ड इन द बेस रीजन. अब एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी टाइप जो बेस है वो पी टाइप है, तो उससे जब इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं तो कुछ देर के लिए जब वो उस पी रीजन में रुकते हैं तो दिस इज द माइनॉरिटी कैरियर चार्ज कॉन्सेंट्रेशन विच सडनली इंक्रीजेस. एक एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टर की एक अपनी इनहेरेंट माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, विच इज वेरी स्मॉल, मच स्मॉलर देन द होल्स कॉन्सेंट्रेशन, होल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पी टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप सेमीकंडक्टर को पी टाइप कहते हैं इस वजह से है कि उसमें होल्स की कॉन्सेंट्रेशन डोपिंग करके बहुत ज्यादा बढ़ाई जाती है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन. तो जब इलेक्ट्रॉन्स और एमिटर टर्मिनल जो कि एन टाइप है, तो इसमें बेतहाशा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, अगेन डोपिंग की वजह से, डोनर एटम्स की वजह से. तो जब इलेक्ट्रॉन्स जो है बल्क क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पास करते हैं टुवर्ड्स द कलेक्टर टर्मिनल, दे स्टे फॉर अ वाइल इन द दे ट्रेवर्स थ्रू द बेस रीजन एंड दे स्टे देयर फॉर अ वाइल बिफोर क्रॉसिंग टू द कलेक्टर टर्मिनल. और जब वो वहां पे स्टे करते हैं बेस रीजन में, तो बेस रीजन जो कि पी टाइप है, उसमें जो माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है रिप्रेजेंटेड बाई क्यू एन, वो इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एमिटर टर्मिनल से आ रहे होते हैं और एमिटर टर्मिनल पे एक वोल्टेज अप्लाइड है, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड है, बिकॉज द बेस एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड. तो फॉर एन एनपीएन ट्रांजिस्टर द स्टोर्ड इलेक्ट्रॉन चार्ज इन द बेस क्यू एन, ये वो चार्ज है जो ट्रांजिट हो रहा है फ्रॉम द एमिटर टू द कलेक्टर, एंड इन डूइंग सो इट्स पासिंग ट्रेवर्सिंग फ्रॉम द बेस रीजन. इस चार्ज को क्यू एन कहा जाता है. कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द कलेक्टर करंट आई सी. क्यू एन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द कलेक्टर करंट. क्यू एन इज इक्वल टू टाउ एफ टाइम्स आई सी. टाउ एफ का जो यूनिट है
इट्स अ डिवाइस कॉन्स्टेंट, और इसका जो डायमेंशन है वो टाइम है। तो करंट इज, कलेक्टर करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये जो डेफिनेशन है चार्ज की, ये वो ट्रांजिट चार्ज है जो कि बेस से पास हो रहा है या थोड़ी देर के लिए बेस में एक्यूमुलेट हो रहा है, इंक्रीजिंग द माइनॉरिटी कैरी कॉन्सेंट्रेशन इन द बेस। सो द चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द कलेक्टर करंट। जितना कलेक्टर करंट ज्यादा इंक्रीज होगा, जितना कलेक्टर करंट ज्यादा फ्लो करेगा फ्रॉम द एमिटर टू कलेक्टर, उतना ही बेस रीजन के अंदर माइनॉरिटी कैरी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि ये सारा चार्ज बेस रीजन से होता हुआ आगे जा रहा है फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर। सो द चार्ज stored in the base for a while, the transit charge is proportional to the collector current and the constant of proportionality is tau f. ठीक है, it is known as a forward base transit time and represents the average time a charge carrier electron spends in crossing the base. ठीक है, जितनी देर इलेक्ट्रॉन जो है वो बेस रीजन में मौजूद है, ये tau f उस टाइम को रिप्रेजेंट करता है, transit time. ठीक है, and typically tau f is in the range of 10 picoseconds to 100 picoseconds. It's technology dependent. अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखें, चार्ज की डिपेंडेंसी वोल्टेज पे अगर हो जाए तो हमारे पास एक कैपेसिटिव इफेक्ट मौजूद होगा, q equals to c into v, charge is equals to capacitance times voltage. Charge is directly proportional to voltage between the two terminals where the charge is stored and the constant of proportionality is capacitance, q equals to c into v. तो अब इस इक्वेशन में हमें पता है कि कलेक्टर करंट जो है वो बेस टू एमिटर वोल्टेज पर डिपेंड करता है। IC इज इक्वल्स टू, अगर इसका फॉर्मूला देखें, कलेक्टर करंट पीएन जंक्शन में कलेक्टर करंट का फॉर्मूला है IC इक्वल्स टू IS एक्सपोनेंशियल VB अपॉन VT। तो द चार्ज QN इज एक्सपोनेंशियली डिपेंडेंट अपॉन द वोल्टेज VBE, अगर आप IC को रिप्लेस कर दें विद इट्स फॉर्मूला। ठीक है, थस दिस चार्ज स्टोरेज मैकेनिज्म रिप्रेजेंट्स अ नॉन लीनियर कैपेसिटिव इफेक्ट। चार्ज वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, नॉन लीनियरली डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट तो है ना, दिस मींस देयर इज सम कैपेसिटिव इफेक्ट। हाउएवर फॉर स्मॉल सिग्नल्स वी कैन डिफाइन द स्मॉल सिग्नल डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। स्मॉल सिग्नल डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का मतलब है कि वंस यू हैव बायस्ड द बेस एमिटर जंक्शन, द कलेक्टर एमिटर जंक्शन, यू हैव बायस्ड इट, डीसी बायस, बायसिंग फिक्स हो गई, फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में बायपोलर ट्रांजिस्टर बायस हो गया। वंस इट्स बायस्ड, नाउ यू अप्लाई अ स्मॉल सिग्नल VBE. VB should be very small compared to the thermal voltage, जो small signal condition थी अगर आप recall करें। तो उस सूरत में we can define the small signal diffusion capacitance. CDE is a variation of charge with respect to the applied small signal voltage VBE. देखिए, exponential को जब हम IC collector current और VBE का relationship देख रहे थे, graphs देख रहे थे bipolar transistor के case में, तो एक्सपोनेंशियल कर्व को लीनियराइज करने के लिए हमने क्या किया था कि हम बायस करते हैं किसी भी बाइपोलर ट्रांजिस्टर को, और उस बायसिंग पॉइंट जब फिक्स हो जाता है तो उसके आसपास हम स्मॉल सी वेरिएशन करते हैं। एक्सपोनेंशियल हिस्से को अगर आप बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे लीनियर हिस्सों में तोड़ दें, डिवाइड कर दें, एक एक्सपोनेंशियल कर्व को स्मॉल लीनियर पोर्शंस में आप डिवाइड कर दें, तो यू कैन अप्रोक्सीमेट फॉर स्मॉल सिग्नल्स के द एक्सपोनेंशियल कर्व इज एक्चुअली अ लीनियर कर्व इन दैट स्मॉल रीजन और स्मॉल पोर्शन ऑफ द कर्व। तो यही चीज हमने यहां पर की है कि स्मॉल सिग्नल डिफ्यूजन कैपेसिटेंस हम डिफाइन कर सकते हैं, इवन दो द चार्ज इज एक्सपोनेंशियली डिपेंडेंट अपॉन वीबीई बेस टू एमिटर वोल्टेज, लेकिन उस एक्सपोनेंशियल कर्व को अगर आप प्लॉट करें क्यू एन को वीबीई पे, वीबीई के रिस्पेक्ट से, एक्सपोनेंशियल वीबी के रिस्पेक्ट से, तो वी विल बी हैविंग एन एक्सपोनेंशियल कर्व। उस एक्सपोनेंशियल कर्व को अगर आप छोटे छोटे स्मॉल लीनियर पोर्शन में ब्रेक कर दें तो चार्ज का और वोल्टेज का जो रिलेशनशिप है इट कैन बी मेड लीनियर, एंड वंस क्यू इक्वल सी इन टू वी लीनियर रिलेशनशिप है, सो वी हैव आवर डिजायर्ड कैपेसिटेंस। तो सी डी डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज वेरिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू वी बी एट द बायस पॉइंट, एंड दिस अगर आप यहाँ पे इसको आई सी की वैल्यू रख दें, आई सी इज IC की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू VBE इज ट्रांसकंडक्टेंस, इट इज GM, यानी कि tau f इज कांस्टेंट, IC आउटपुट कलेक्टर करंट की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट वोल्टेज VBE इज ट्रांसकंडक्टेंस, डिवाइस ट्रांसकंडक्टेंस, एंड ट्रांसकंडक्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है GM इज IC अपॉन VT। सो द डिफ्यूजन स्मॉल सिग्नल डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इनहेरेंट इन द बाइपोलर ट्रांजिस्टर इन फॉरवर्ड एक्टिव रीजन, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द कलेक्टर करंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कलेक्टर करंट
inversely proportional to the thermal voltage, and the constant of proportionality is the transit time tau f. Thus, whenever VBE changes by VBE, ये जो VBE है, again naming convention अगर आप recall करें, तो ये जो subscript में BE capital में लिखा हुआ है, it means it contains a DC quantity as well as an AC quantity. तो जब भी DC quantity में AC की small variation होगी, VBE changes by small VBE, the collector current changes by GM VBE, and the charge stored in the base changes by CDE VBE. तो जब भी बेस टू एमिटर वोल्टेज एसी वोल्टेज यानी कि आपने फिक्स कर दिया डीसी बायसिंग के ऊपर, आपने एक स्मॉल एसी वोल्टेज अप्लाई किया है वीबी, जब भी ये वीबीई चेंज होगा, कलेक्टर करंट चेंज होगा, स्मॉल से भी कलेक्टर करंट चेंज होगा बाय द सेम फैक्टर जीएम टाइम्स वीबीई, एंड द चार्ज स्टोर्ड इन द बेस चेंजेस बाय क्यू इक्वल्स टू सी इनटू वी सीडीई वीबीई, एंड सीडीई इज गिवन बाय टाउ एफ टाइम्स जीएम और टाउ एफ टाइम्स आईसी अपॉन वीटी. तो जब इनपुट वोल्टेज बेस टू एमिटर वोल्टेज चेंज हुआ, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस चार्ज चेंज हुआ इन द डिफ्यूजन रीजन स्मॉल सिग्नल डिफ्यूजन, रिजल्टिंग इन अ चेंज इन द स्मॉल सिग्नल डिफ्यूजन कैपेसिटेंस सीडी, हेंस अ कैपेसिटिव इफेक्ट इज मैनिफेस्ट इटसेल्फ. ठीक है, होपफुली बात आपको समझ आ गई होगी, नहीं तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चन सीआर के थ्रू मुझे लिख के भेज सकते हैं, तो आई एड्रेस देम अकॉर्डिंगली, उस पर मैं एक और वीडियो आप बना के शेयर कर दूंगा. अच्छा जी, फिर हमारे पास एक और तरह की कैपेसिटेंस होती है बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स में, द बेस एमिटर जंक्शन कैपेसिटेंस सीजेई. अ चेंज इन वीबीई नॉट ओनली चेंजेस द चार्ज स्टोर्ड इन द बेस रीजन बट ऑल्सो द चार्ज स्टोर्ड इन द बेस एमिटर डिप्लेशन लेयर. बिल्कुल, बेस टू एमिटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड है फॉर फॉरवर्ड एक्टिव रीजन, तो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो कम या ज्यादा होगी, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द पीएन जंक्शन, इन दिस केस बेस टू एमिटर जंक्शन. ठीक है, दिस डिस्टिंक्ट चार्ज स्टोरेज इफेक्ट इज एक्सप्रेस्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द एमिटर बेस जंक्शन डिप्लीशन लेयर कैपेसिटेंस सीजेई. हम चैप्टर 3 में जब बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स हमने लास्ट सेमेस्टर में किए थे और मैंने आपको रिवाइज भी करवाए थे इस सेमेस्टर के स्टार्ट में, लेकिन इसका बल्क पोर्शन जो है हम लास्ट सेमेस्टर में कर चुके थे, तो वहां पे हमने इस जंक्शन कैपेसिटेंस को डिराइव किया था. रिकॉल करें अपने पुराने लेक्चर नोट से, बुक से, कि दिस जंक्शन कैपेसिटेंस विदाउट गोइंग इनटू द डेरिवेशंस नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन लास्ट सेमेस्टर. सो दिस जंक्शन कैपेसिटेंस वाज एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सीजेई जीरो, जंक्शन कैपेसिटेंस विद जीरो फॉरवर्ड बायस्ड, यानी बेस टू एमिटर के ऊपर कोई बायस मौजूद नहीं है. सो सीजेई जंक्शन कैपेसिटेंस वाज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सीजेई नॉट, सीजेई नॉट इज द वैल्यू ऑफ सीजेई एट जीरो एमिटर बेस जंक्शन वोल्टेज, जब कोई वोल्टेज वहां पे अप्लाइड नहीं है फॉरवर्ड वोल्टेज. ओके, देन देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ कैपेसिटेंस, द कलेक्टर बेस जंक्शन कैपेसिटेंस, एंड रिमेंबर दिस कलेक्टर बेस जंक्शन कैपेसिटेंस इन फॉरवर्ड एक्टिव रीजन इज दिस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड. So in active mode, this the collector base junction is reverse biased and its junction or depletion capacitance is given by this formula here. C mu equals to C mu naught divided by 1 plus VCB collector to base reverse bias voltage divided by V out to the power m. ठीक है? VCB is the magnitude of the collector base junction where C mu naught is the value of C mu at zero voltage, यानी कि collector to base पे zero voltage applied है, there equipotential, कोई potential difference नहीं है, that is the capacitance C mu naught. VCB is the magnitude of the collector base junction reverse bias voltage. V naught C is the collector to base junction built-in potential, typically 0.75 volt silicon की case में, and M is its grading coefficient, typically 0.2 to 0.5. ठीक है? So this is the collector base junction capacitance. Now, when all capacitances are taken into consideration, we can develop the high frequency model of the bipolar transistor. ठीक है? To conclude, तीन तरह के capacitances bipolar transistors में मौजूद होती हैं: diffusion capacitance, small signal diffusion capacitance, जिसकी वजह क्या होती है कि emitter से जब electrons NPN transistor की अगर बात करें, emitter से जो electrons हैं, वो collector की तरफ flow कर रहे होते हैं for a brief period of time. Several tens of picosecond, उन्हें base region में रहना पड़ता है. ठीक है, तो जब base emitter voltage increase या decrease होता है
चेंज होता है बेस्ड एमिटर वोल्टेज बाय स्मॉल सिग्नल एक्सकर्जन्स, तो द चार्ज स्टोर्ड, द माइनॉरिटी चार्ज स्टोर्ड इन द बेस रीजन इंक्रीजेस. सो दैट चार्ज इज डिपेंडेंट अपॉन द अप्लाइड बेस्ड एमिटर वोल्टेज, मीनिंग देयर इज सम कैपेसिटिव इफेक्ट. इसी तरह बेस एमिटर जंक्शन कैपेसिटेंस, बेस और एमिटर जंक्शन के बीच में एक कैपेसिटेंस होती है, कैपेसिटेंस मौजूद होती है, दैट इज द जंक्शन कैपेसिटेंस. फिर कलेक्टर बेस जंक्शन कैपेसिटेंस होती है, ये रिवर्स बायस, बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है, तो दिस कैपेसिटेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिवर्स बायस कैपेसिटेंस सी म्यू. इट इज डिपेंडेंट अपॉन द रिवर्स बायस वोल्टेज वी सी बी इन फॉरवर्ड एक्टिव रीजन. ठीक है, व्हेन दीज थ्री कैपेसिटेंसेस आर अकाउंटेड फॉर, वी कैन डेवलप द हाई फ्रीक्वेंसी हाइब्रिड पाई मॉडल, दिस मॉडल हियर इन फॉरवर्ड एक्टिव रीजन. अब यहां पे आप RX को फॉर द टाइमिंग आप इग्नोर करें. बेस टू एमिटर के बीच में वी हैव रेजिस्टेंस आर पाई और इसके ऊपर वोल्टेज है वो वी पाई है. बेस और एमिटर के बीच में जो कैपेसिटेंस है इट इज सी पाई. ठीक है, एंड दिस कैपेसिटेंस सी पाई इज इक्वल्स टू स्मॉल सिग्नल डिफ्यूजन कैपेसिटेंस प्लस द जंक्शन कैपेसिटेंस बिटवीन द बेस एंड एमिटर जंक्शंस. ठीक है, सी पाई इज द समेशन ऑफ द स्मॉल सिग्नल जंक्शन कैपेसिटेंस जो कि कलेक्टर करंट डिपेंडेंट है एंड द जंक्शन कैपेसिटेंस बिटवीन द बेस एंड एमिटर जंक्शंस क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस बेस एमिटर जंक्शन. ठीक है, और बेस और कलेक्टर के बीच में वी हैव द कैपेसिटेंस सी म्यू बिकॉज बेस एंड कलेक्टर जंक्शन आर रिवर्स बायस्ड, तो रिवर्स बायस्ड वोल्टेज की वजह से जंक्शन की वजह से वी हैव द सी म्यू जंक्शन कैपेसिटेंस. कलेक्टर और एमिटर के बीच में वी हैव जी एम वी पाई वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, और इफ यू आर कंसिडरिंग बेस विद मॉड्यूलेशन इफेक्ट तो कलेक्टर और एमिटर के बीच में वी हैव रेजिस्टेंस आर नॉट. ये जो आर एक्स कैपेसिटेंस है ये क्या है इसको देखते हैं. यहां पे आप RX को देख सकते हैं कि बेस टर्मिनल से, ये बेस टर्मिनल है एंड दिस बेस टर्मिनल मेड अप ऑफ सिलिकन. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिलिकन टेक्नोलॉजी सो इट इज दिस सेमीकंडक्टर इज सिलिकन बेस्ड, तो ये एमिटर टर्मिनल को कंप्लीटली कवर करता है ये बेस रीजन. दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एनपीएन बीजेटी ट्रांजिस्टर. ठीक है, तो इस सिलिकन मटेरियल की कुछ ना कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होती है and that resistance is denoted by RX. So that is RX. कि ये जो B है ये actually base का terminal है और जो actual base है it is maybe this region here surrounding the emitter terminal or the emitter region, emitter end region. ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस region की जो resistance है, क्योंकि silicon semiconductor material की भी कुछ resistance होती है जो हमने last semester में शुरू के lectures में derive की थी, उसको रिकॉल करें, तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे मौजूद होती है, दैट रेजिस्टेंस इज डेसिग्नेटेड बाय RX. ठीक है, ओके, एंड नॉर्मली आर पाई इज मच ग्रेटर देन RX. ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ but at high RX is much smaller than R pi, its effect is negligible at low frequencies. At low frequencies R pi RX se bahut badi value ka hota hai, but at very high frequencies RX ka jo effect hai wo significant hota hai. Acha ji, cut off frequency ki baat kar le, bipolar transistors mein. Okay, the transistor data sheets do not usually specify the value of C pi, rather the behavior of beta or HFE versus frequency is normally given. In order to determine C pi and C mu, we shall derive an expression for HFE. HFE jo hai wo, it is a CE, common emitter short circuit current gain, as a function of frequency in terms of the hybrid pi components. For this, okay ji, transition frequency malum karne ke liye we consider this circuit. और वी नीड टू डिटरमाइन द शॉर्ट सर्किट करंट गेन, तो कलेक्टर टू एमिटर आउटपुट पे
कलेक्टर इज शॉर्टेड टू द एमिटर, सो द आउटपुट टर्मिनल इज शॉर्टेड। यहाँ पे हमने अपना हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल अप्लाई किया है, आर एक्स बेस बी टर्मिनल और एक्चुअली जो एमिटर के नीचे बेस मौजूद है उसके बीच में आर एक्स रेजिस्टेंस है जिसे बेस करंट फ्लो कह रहा है। फिर बेस और एमिटर के बीच में आर पाई रेजिस्टेंस जिसके ऊपर वोल्टेज वी पाई है, सी पाई स्मॉल सिग्नल डिफ्यूजन और डिप्लेशन दोनों के कैपेसिटेंसेस यहाँ पे मौजूद है एडेड इस सी पाई, सी म्यू ड्रेन बेस के ड्रेन टू एमिटर कैपेसिटेंस, सॉरी कलेक्टर बेस जंक्शन कैपेसिटेंस रिवर्स बायस्ड, जीएम वी पाई आर नॉट बेस विद मॉड्यूलेशन इफेक्ट। ठीक है, तो इस सर्किट को हम कंसिडर कर रहे हैं शॉर्ट सर्किट करंट गेन, कलेक्टर करंट द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू विद रिस्पेक्ट टू आई बी बेस करंट को डिराइव करने के लिए, और किस फ्रीक्वेंसी पे जो है ये जो करंट गेन रेशियो है वन हो जाएगा, दैट इज अ ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब कलेक्टर आउटपुट टर्मिनल शॉर्टेड है, कलेक्टर टू एमिटर एक साथ कनेक्टेड है शॉर्ट सर्किट से, तो ये जो रेजिस्टेंस है आर पाई सी पाई और सी म्यू कैपेसिटेंस ये पैरेलल में, ये तीनों रेजिस्टेंसेस, ये रेजिस्टेंस और ये जो कैपेसिटेंसेस हैं ये पैरेलल में आ जाती हैं, तीनों पैरेलल में लगे हुए। ठीक है, तो यहां पे आईसी इज इक्वल्स टू जीएम वी पाई, कलेक्टर करंट में अगर आप ऐड कर दें एस सी म्यू वी पाई तो जीएम वी पाई करंट आपको मिल जाएगा इफ यू अप्लाई केसीएल एट दिस नोट हियर। इस नोट पे जब आप केसीएल अप्लाई करते हैं तो ये करंट एस सी म्यू वी पाई इज एडेड टू इट्स एडेड टू कलेक्टर करंट, तो ये करंट जो इस कैपेसिटर सी म्यू से पास हो रहा है प्लस द कलेक्टर करंट बोथ एड टुगेदर, क्योंकि दोनों एंटर हो रहे हैं इस नोट पे और एक नोट इस नोट से करंट लीव हो रहा है विच इज जीएम वी पाई, इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो यू विल एंड अप विद दिस इक्वेशन हियर इन टर्म्स ऑफ दैट इज कलेक्टर करंट इज जीएम वी पाई माइनस एस सी म्यू वी पाई। ठीक है, वी पाई की अगर आप बात करें तो वोल्टेज इज करंट इन टू टोटल रेजिस्टेंस, वी पाई इज इक्वल्स टू बेस करंट टाइम्स तो टोटल द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर पाई सी पाई एंड सी म्यू। यहां पे ये जो वी पाई वोल्टेज है ये वोल्टेज आर पाई पे भी ड्रॉप हो रहा है, सी पाई पे भी ड्रॉप हो रहा है क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है दोनों, और ये सी म्यू पे भी ड्रॉप हो रहा है क्योंकि कलेक्टर एमिटर शॉर्टेड है। ठीक है, तो बेस करंट या वी पाई वोल्टेज विल बी इक्वल टू बेस करंट आई बी, अब ये इस यहाँ पे बेस करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन से फ्लो कर रहा है और तीनों पे वोल्टेज सेम है, तो वी पाई इज इक्वल्स टू बेस करंट टाइम्स द टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस एंड रिएक्टिव कॉम्बिनेशन, सो इट इज दिस फॉर्मूला हियर, आई बी टाइम्स द टोटल इम्पिडेंस आई वुड से आर पाई इन पैरेलल विद सी पाई इन पैरेलल विद सी म्यू, और इसको अगर आप एडमिटेंस फॉर्म में लिखते हैं तो वोल्टेजेस करंट अपॉन एडमिटेंस, वोल्टेजेस करंट इनटू इम्पिडेंस एंड वोल्टेजेस करंट इनटू एडमिटेंस, एडमिटेंस और इम्पिडेंस इनवर्स रिलेशनशिप में होती है। अच्छा जी, तो थस एचएफई कैन बी ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग इक्वेशंस 9.37 9.38, तो यहां पे आईसी अपॉन आईबी 9.37 और 38 को कंबाइन कर लें, वी पाई जो है आईसी इज डिपेंडेंट अपॉन वी पाई एंड वी पाई इज डिपेंडेंट अपॉन आईबी, तो वी पाई की जगह 9.37 में 9.38 को सब्सटीट्यूट कर दें तो कलेक्टर करंट और बेस करंट को दूसरी तरफ ले जाएं तो कलेक्टर करंट की इक्वेशन करंट गेन रेशियो आपके पास आ जाएगा विच इज दिस इक्वेशन हियर। ठीक है, देन वी से के इफ यू अज्यूम इन द न्यूमरेटर दैट सी म्यू इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द फर्स्ट टर्म जीएम, सो वी कैन इग्नोर जीएम इज मच ग्रेटर देन एस सी म्यू, सो वी कैन इग्नोर दिस टर्म हियर फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कोर्स। जिस तरह हमने गेट टू ड्रेन मॉस्फेट के केस में गेट टू ड्रेन कैपेसिटेंस को हमने कहा था कि ये बहुत स्मॉल है सी जी डी, दैट कैन बी इग्नोर्ड करंट की इक्वेशन में। ठीक है, एंड द आउटपुट करंट वॉज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जी एम वी, वही चीज हम यहाँ पे करने लगे हैं कि जो सी म्यू कैपेसिटेंस है इसको हम कह रहे हैं कि इट्स वेरी स्मॉल बिटवीन द कलेक्टर एंड बेस रिवर्स बायस, इट्स वेरी स्मॉल कंपेयर टू जी एम, सो वी इग्नोर इट, we get this equation here और ये जो पैरामीटर है जी एम आर पाई इसको
हम बी नॉट से इंडिकेट कर रहे हैं, वे बी नॉट इज अ लो फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ बीटा, जी एम आर पाई इज इक्वल्स टू बीटा नॉट, द रेस्ट रिमेन्स द सेम। ठीक है, अच्छा, द एच एफ ई हैज अ सिंगल पोल और एस टी सी रिस्पॉन्स विद द 3 dB फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा बी ओमेगा बीटा, वे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सी पाई प्लस सी म्यू, ये दो कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हुए हैं और रेजिस्टेंस आर पाई इनके इसके साथ कनेक्टेड है, तो एक रेजिस्टर और एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दोनों साथ कनेक्टेड है, सो दिस फॉर्मुलेट्स और फॉर्म्स अ सिंगल टाइम कॉन्स्टेंट सर्किट, क्योंकि सिंगल टाइम कॉन्स्टेंट सर्किट या नेटवर्क में जरूरी ये है कि एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर आपस में कनेक्टेड हो, तो यहाँ पे सी पाई प्लस सी म्यू इज वन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इट इज कनेक्टेड विद आर पाई इन पैरेलल, सो दिस इज अ सिंगल टाइम कॉन्स्टेंट नेटवर्क, और जब सिंगल टाइम कॉन्स्टेंट नेटवर्क होगा तो उसकी कोई ना कोई पोल फ्रीक्वेंसी भी होगी, विच इज वन अपॉन दिस आर इंटू सी, पोल फ्रीक्वेंसी इज वन अपॉन आर सी, तो आर इज आर पाई एंड सी इज सी पाई प्लस सी म्यू। ठीक है, फर्दर विच मीन्स ओमेगा बीटा इज दिस इक्वेशन, यहां पे हम ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ये जो करंट गेन है इसके इसका मैग्नीट्यूड निकाल के वी कैन इक्वेट इट टू वन एंड द फ्रीक्वेंसी एस की जगह एस इक्वल्स टू जी ओमेगा, तो मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड को वन से इक्वेट करेंगे तो उस जिस फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड वन है दैट कैन बी फाउंड एज द ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी विच इज बीटा नॉट टाइम्स ओमेगा बी, एंड ओमेगा बी इज गिवन बाय ओमेगा बी इज दिस इक्वेशन हियर, तो ओमेगा टी ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी इज जी एम डिवाइड बाई सी पाई प्लस सी म्यू, और यहां पे आप देख सकते हैं कि इफ यू प्लॉट द करंट गेन, इफ यू प्लॉट द करंट गेन विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, तो ड्यू टू द सिंगल टाइम कॉन्स्टेंट नेटवर्क एट द इनपुट ड्यू टू आर पाई एंड सी पाई सी म्यू, वी हैव अ सिंगल टाइम कॉन्स्टेंट नेटवर्क रिजल्टिंग इन अ पोल फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी, जिसपे जो भी बीटा नॉट जो भी रिस्पॉन्स था जी एम आर पाई जो भी रिस्पॉन्स था करंट गेन का वो ड्रॉप हो गया बाई 3 dB, फर्दर यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी जिस स्लोप इज -20 dB पर डेकेड और -6 dB पर ऑक्टेव, और ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ये वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी जिसपे करंट गेन का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो जाए, 0 dB इज इक्वल्स टू 1 फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर एंड फॉर अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, तो जब आप इन फ्रीक्वेंसी को मजीद इंक्रीज करेंगे ओमेगा टी से तो ये जो आपके पास गेन है इट ड्रॉप्स इट गोज डाउन टू द नेगेटिव वैल्यूज -dBs में आ जाएगा, एंड -dBs को जब आप लीनियर वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे इट मींस करंट गेन देयर इज नो करंट गेन 0.9, 0.8, 0.7 फॉर एग्जांपल, इट्स नॉट अ करंट गेन, आउटपुट करंट इनपुट करंट के रिस्पेक्ट से ज्यादा नहीं है बल्कि कम है, इट शोज अटेन्युएशन, तो ओमेगा टी ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हमें पता चलता है कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिसपे ट्रांजिस्टर का करंट गेन 1 है, ताकि हम उस ट्रांजिस्टर को उस ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी से काफी दूर काफी कम फ्रीक्वेंसी पे यूज करें कंपेयर टू दैट ओमेगा टी। ठीक है, तो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी डिफाइंस द यूजिबल मैक्सिमम यूजिबल फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर। फर्दर ओमेगा टी से को आप 2 पाई से डिवाइड करते हैं तो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी इज जी एम अपॉन 2 पाई सी पाई प्लस सी म्यू, ये जो रिजल्ट है इट इज वेरी सिमिलर टू मॉस्फेट, वहां पे क्या था ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी जी एम डिवाइड बाई 2 पाई सी जी एस प्लस सी जी डी, और सी जी एस जो कैपेसिटेंस थी वो गेट और सोर्स के बीच में थी, यहाँ पे सी पाई कैपेसिटेंस बेस और एमिटर के बीच में, और सी जी डी वॉज बिटवीन गेट एंड ड्रेन कैपेसिटेंस इन मॉस्फेट, और सी म्यू इज बिटवीन द कलेक्टर एंड बेस टर्मिनल्स ऑफ अ बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये पैरेलल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों चीजें काफी सिमिलर, हेंस टू कंक्लूड दिस इज द हाई फ्रीक्वेंसी बीजेटी मॉडल,
इसमें जीएम के फॉर्म, जीएम आर नॉट और आर पाई के फॉर्मूलाज हैं, आर पाई बीटा नॉट अपॉन जीएम, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी गेन ऑफ अ बाइपोलर ट्रांजिस्टर, सी पाई प्लस सी म्यू इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, बेस और एमिटर के बीच में, अच्छा सी पाई प्लस सी, बेस एमिटर की कैपेसिटेंस प्लस कलेक्टर और बेस के बीच में कैपेसिटेंस, सी म्यू इज द कलेक्टर बेस रिवर्स बायस कैपेसिटेंस, जंक्शन कैपेसिटेंस ड्यू टू रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाइड, सी पाई इज फर्दर गिवन बाय सी डी ई, स्मॉल सिग्नल डिफ्यूजन कैपेसिटेंस प्लस जंक्शन कैपेसिटेंस बिटवीन द बेस एमिटर, सी डी ई इज टाउ एफ टाइम्स जी एम, एंड जंक्शन कैपेसिटेंस, दिस जंक्शन कैपेसिटेंस इज ट्वाइस ऑफ सी जे ई नॉट, ठीक है। हेंस टू कंक्लूड टुडेज लेक्चर, इसमें हमने इंटरनल कैपेसिटेंसेस को स्टडी किया है, डिराइव किया है फॉर बोथ मॉस्फेट एंड बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन ट्रांजिस्टर्स को के हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए एम्पलीफायर्स डिजाइन करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, डिजाइन से पहले एनालाइज करेंगे और कुछ डिजाइन की न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीक। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो, क्वेश्चंस हो, तो आप सीआर के थ्रू मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे रिक्वायर्ड रिवीजन, अगेन लेक्चर डिलीवरी, तो फिर मैं एक और वीडियो उन क्यूरीज पे मैं बना के पोस्ट कर दूंगा, एंड देन वी कैन हैव एन एमएस टीम सेशन एंड द क्वेश्चंस क्यूरीज कैन बी फर्दर एड्रेस्ड, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।